आप पहले सलाम करोगी बेटा जी या मैं पहले करूं? मैं करूंगी, मैं करूंगी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लेके आए लंदन नहीं जाऊंगा के इंटरवल सीन का रिएक्शन। एंड बिफोर इंटरवल तक ये मूवी बहुत कमाल की रही है, लेकिन ये कि वो बिल्कुल भी पट नहीं रही है। जैसे अगर पंजाब नहीं जाऊंगा की बात करेंगे तो वहाँ पे बहुत हॉट एंड सॉर रिलेशनशिप थी कि पट रही थी, फिर कुछ इश्यूज आते हैं, फिर कुछ इश्यूज, फिर ऐसा वैसा। बट यहाँ पे ऐसा है कि वो पट ही नहीं रही है, अभी तक इंटरवल हो गया है और वो बिल्कुल मानने को, इनके साथ रहने को तैयार भी नहीं है। और लाइक अभी तक मैं कहूँगा तो पंजाब नहीं जाऊँगा मैं, ये सब थी, बहुत सारे टचेज भी थे यहाँ पे, वैसे कॉमेडी टचेज अभी इतने दिखने को नहीं मिल रहे, पर आ रहे हैं। लाइक ऐसा है जैसे उनके जो फादर है वो बहुत ज़बरदस्त है, लाइक वो अजीदी है जो है बहुत अच्छे से वो कॉमेडी कर लेते हैं, तो देखेंगे अब इंटरवल में क्या होता है। और सीरियसली अभी तक जितना पार्ट रहा है वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त रहा है। हम लोगों ने फाइटिंग सीन देख लिया, सब कुछ देख लिया, इतना हमें पता लग गया कि बेसिकली जो चौधरी साहब है उनको प्यार हो गया है महवीश से, लेकिन जो महवीश है वो पटने के लिए तैयार ही नहीं है। और मेरे को लिटरली दो चीज़ों को जानने है कि लाइक महवीश और जो चौधरी साहब है, क्या उनकी शादी होगी, क्या महवीश पटेगी, या फिर जो उनका बेस्ट फ्रेंड है उससे कहीं उनका कुछ चलना जाए जिससे चौधरी साहब बहुत ज़्यादा हर्ट हो, ये भी हो सकता है। और दूसरा पॉइंट ये है कि यार मुझे ये जानना है कि सना और इनका क्या रिलेशनशिप है, क्योंकि अभी तक हम लोग इतने पार्ट्स देख ले तो मेरे को बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो रही है कि लाइक क्या रिलेशनशिप है, और इन लोगों ने अभी तक ये डिस्क्लोज ही नहीं करा है। तो आई होप ये डिस्क्लोज कर दे, मे बी वो उनकी बहन हो या फिर कुछ भी हो, तो पता नहीं। तो देखते हैं फिर वीडियो कैसे होने वाली है, वही देखते हैं कैसा होगा। तो आप भी देखो, हम भी देखते हैं, लेट्स स्टार्ट। थैंक्स। मारा उन्होंने दवाई के खा रहा है। बड़ा है पंजाब का आयरन मैन। देखा कैसे चार चार लोगों को मार रहा था। हाँ। खैर ये तो इतना मुश्किल नहीं है, इंग्लैंड में भी 100 पाउंड दो और जितना मर्जी मार लो। वैसे होप यू रियलाइज के चारों प्रीपेड गुंडे थे। रहने दे। मैम आपसे कोई मिलने आया है। कौन? नाम नहीं बताया, कहा सरप्राइज है। चौधरी साहब हो सकते ये, ओ, उनके फादर आ गए। जमाने का आतिशदान है चुदरानी, मेमे इसमें लकड़े बाल के आग सेकती थी। सिर्फ मेमे क्यों सेकती थी? ओ, मेमो को ज्यादा ठंड लगती है ना। ओ, ये सीधा रिश्ता मांगने आ गया क्या? पता नहीं। सही यार, बेटे की बात मान रहे हैं। आप पहले सलाम करोगी बेटा जी या मैं पहले करूं? मैं करूंगी, मैं करूंगी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाय यार, मुझे ये बड़े सही लगते हैं। विदाउट इनविटेशन। नहीं, इट्स ओके। बैठो जी, बैठो जी। सोनी देखें कितनी है। सोनी तो बहुत है माशाल्लाह। चाय कॉफी क्या लेंगे आप? बेटा जी चाय काफी बाद में, पहले बातचीत। अच्छा जी। लंदन की हो ना? जी। घर में और कौन कौन है? मैं और मेरी मामा। और पापा? पापा नहीं है। कहीं सना ही तो उसकी मम्मा नहीं है ना आपकी? जी नहीं। हो सकता है ये खुद ही सना की बेटी हो। तो बेटा है जी, ना रिश्ता मांगना हो आपका तो किससे बात करनी पड़ेगी? मेरी मामा से, मम्मी से। हाँ मतलब रिश्ता मांगने के लिए हम दोनों को लंदन जाना पड़ेगा? नहीं, आप फोन पर भी बात कर सकते हो। लंदन जाओगे तो खर्चा होगा, पैसे जाया होंगे, क्योंकि वो रिश्ता नहीं देंगी आपको। ओ क्यों? क्यों नहीं रिश्ता देंगी बेटा जी? वो कबरू जवान पुत्र है हमारा। हाँ। अरबों की जायदाद का अकेला ही वारस है, ऊपर से पागलों की तरह मोहब्बत करता है आपसे। अरे वाह, मोहब्बत का मानते हो आप लोग? ओ क्या सिर्फ बेटे की मोहब्बत को मानते हो? वो मोहब्बत करे तो प्राइड लेकर कहते हो कि पागलों की तरह मोहब्बत करता है। ये क्या बात कर रही हो धीरा? ओ यार वो सना वाला कुछ तो है इधर। हाँ बताइए, याद करके बताइए, कभी आपके यहाँ किसी लड़की ने मोहब्बत की हो सना ने, और आपने इसी तरह प्राइड लेकर कहा हो कि हमारी बेटी किसी से पागलों की तरह प्यार करती है? नहीं पुत्र जी,
हम रिश्ता लेने आए हैं या टेस्ट देने आए? टेस्ट तो अभी शुरू ही नहीं हुआ जनाब, वो तो शुरू होगा जब आप मेरी मामा को फोन करेंगे और आपका नाम सुनकर वो फोन काट देंगे। इन्होंने कुछ किया है? मेरा नाम सुनकर क्यों फोन काट देंगे? जरा कराओ ना मेरी उनसे बात, उनको बताओ के चौधरी कफील साहब बात करेंगे। ये आप उन्हें खुद बताइएगा, मैं बात कराती हूँ। हेलो मामा जी। फाइन, ये लीजिए, कोई बात करेगा आपसे। यार हेलो, कौन? चौधरी कफील टुआना बोल रहा हूँ। कट कर दिया भाई, यही सना है शायद। मुझे भी यही लग रहा है, वही सना है वही। और इन्होंने अपने कुछ किया है इनके साथ। हाँ, ये कौन है चुदरानी जिसको मेरे नाम से इतनी नफरत है? जिसके हस्बैंड का मर्डर किया था आप लोगों ने। ओ यही सना है यार। जिसने मोहब्बत की तो आपके बाप ने प्राइड लेकर किसी को नहीं बताया कि मेरी बेटी पागलों की तरह मंसूर जामी से मोहब्बत करती है। माय गॉड, लिटरली आई एम गेटिंग गूज़बम्स। कौन हो तुम? मैं सारा टिवाना की बेटी हूँ चौधरी कफील साहब। ओ सारा सना नहीं, सारा सारा सॉरी। उसकी बेटी कैसे हो सकती हो? सारा टिवाना तो मर चुकी। सारा टिवाना जिंदा है। ओ। आपका नाम सुनकर जिस औरत ने आपके मुंह पर फोन काट दिया है वो सारा टिवाना ही थी। तेरी तो। चल चुदरानी, किस्मत ने पलट कर वार किया है। ये बहुत फनी है। किस्मत पलट कर वार नहीं करती चौधरी साहब, मोहब्बत करती है पलट कर वार। एक दिन आप उसको बर्बाद करते हो, एक दिन वो आपको बर्बाद करती है। ओ भाई, चल चुदरानी। अब वो दिन आ गया चौधरी साहब, आपका बेटा पागलों की तरह सारा टिवाना की बेटी से मोहब्बत करने लगा है। मोहब्बत ने पलट कर फिर आपकी गैरत पर वार किया है। अब दिखाओ अपनी टिवाना फैमिली को, दिखाओ कि गैरत को जिंदा रखने के लिए मोहब्बत को मार देते हो तुम लोग। अब अपने बेटे की मोहब्बत को मार के दिखाओ, दिखा दो तो खुदा की कसम मैं तुम लोगों को अपने बाप का खून माफ कर दूंगी। तेरी तो भाई, भाई। क्या डायलॉग है ना वैसे। सही में, जो पहले नहीं कर पाया अब करके दिखाओ। पहले तुम्हारी कोई लगती थी उसने किया? हाँ जी अब्बा जी। ओ यहीं आ गए अम्मी जी, चपेट पड़ रही थी ना। एक और चपेटा पड़ा। नहीं हो सकती चौधरी जमील कमर साहब। क्या लाइफ है इनकी भाई, सही में क्या मूवी बन रही है। जब पेड़ ही खाई जा रहे हैं, कभी अम्मी के कभी मामा के। सारा दीवाना की बेटी है ये। यार क्या है ये मूवी। शरबत पीने। कहाँ है वो लड़की? वापस चली गई। ओ गुड, गुड नहीं बैठता है जी। मर्डर अटेम्प्ट हुई है उस पर, वो तो मैं मौके पे पहुंच गया वरना पता नहीं। क्यों क्यों पहुंच गया मौके पे? बस बजर, और मौका मिले भी तो मौके पे नहीं पहुंचना। तो मरने देता उसको? दो तीन बंदे रोजाना इस गांव में मर जाते हैं,
वहाँ मौके पे क्यों नहीं पहुँचता? ये क्या है? Good question. ये तो बहुत funny है. But actually, it's not a good question. फिर तो ये बात करके फेल मत मान. नहीं जी, आप ही बात करो. इनका ध्यान तो बार बार जुत्ती की तरफ जा रहा है. मैं तो इसका मुंह ही नहीं लगना चाहता पाजी. इसको सिर्फ मेरी तरफ से इतना बता दो कि ये लंदन नहीं जा सकता. गांव की ECL में नाम आ गया इसका. बीमार भी हो गया तो लंदन जाने की इजाजत नहीं मिलेगी. ECL क्या होता है गांव की? पता नहीं. पुत्र जमील कमर साहब, आपका जवाब. मूवी का नाम तो यही है, लंदन नहीं जाऊंगा. हाँ। एक शेर सुनाऊं ताजी? अरे शेर ना सुना. सारी पंचायत में एक बंदा भी तुझे शायर नहीं मानता. आप अपनी मर्जी बताओ. मुंह पे बेइज्जती. पंचायत की क्या मर्जी है? पंचायत की भी यही मर्जी है कि उनके सामने आप हड़प उठाओ कि आप लंदन नहीं जाओगे. उठाओ वाला. क्या होगा? बैठ के बात करा है. मैं हलफ देने लगा हूँ अब्बा जी. हलफ बैठ कर नहीं देते. ये कोई गवर्नर है उसमें हलफ नहीं दे रहा तू. चल बोल. ठीक है ताया जी, मैं हलफ देता हूँ. ओ भाई, मैं लंदन नहीं जाऊंगा. अरे रे, अब वो यहाँ कैसे आएगी वापस में? पता नहीं क्या है मूवी. क्यों किया ऐसा? फाइनली इस सीन में हमें कंफर्म हो गया कि जो सारा है उसका महवेश के साथ क्या रिलेशनशिप है. तो बेसिकली वो उनकी माँ है. लाइक स्टार्टिंग से कंफ्यूजन थी मुझे, क्या है क्या है क्या है, लेकिन इतना बड़ा कोई रिलेशनशिप होगा वो पता नहीं था. और जो वो डायलॉग डिलीवरी थी यार, वो सीरियसली बहुत कमाल की थी. इसमें महवेश की एक्टिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी है. और जो डायलॉग आया ना कि बेसिकली उल्टा वार करता है प्यार, उल्टा वार करता है ये वो, तो वो सीरियसली मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा. और यहाँ पे ऐसी स्टेज आ गई है जहाँ पे जो चौधरी साहब के फादर है उन, मतलब उन लोगों ने मतलब उनकी माँ का प्यार को मार दिया और अब इनका उल्टा हो गया. अब मेरे को ये है कि लाइक हम लोगों को ये था स्टार्टिंग पे कि चौधरी साहब लंदन चले जाएंगे जब ये पता लगा चले जाएंगे, लेकिन अब उन्होंने वो सबके सामने वो प्रॉमिस कर दिया है कि मैं नहीं जाऊंगा. तो अब मुझे लगता है कि वो नहीं जाएंगे, लेकिन अब इन आगे क्या होएगा? वो महवेश लंदन से वापस आएगी, क्या होगा? क्या उसको रियलाइज़ होगा कि नहीं यार ये मुझसे प्यार करता है? क्या पता ऐसा हो कि जो महवेश है वो भी चौधरी साहब से प्यार करने लग जाए और जो भी उनके कहते हैं ना कोई भी उनसे जो भी उनकी शिकवा वगैरह है वो माफ़ कर दे, जो गलतियाँ उनकी माफ़ कर दे. बाकी आगे पता लगेगा अगले सीन में कि क्या होने वाला है. और अभी तक मूवी बहुत ज़्यादा अच्छी थी. और सीरियसली मैंने अभी तक ऐसी मूवी नहीं देखी है. पाकिस्तानी मूवीज़ का सीरियसली स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है और बॉलीवुड कम होते जा रहे डे बाय डे. मस्त है वही. और किस तरीके से पूरा ये सीन बनाया गया था कि भाई वहाँ पे वो पूछने जाते हैं, उनका रिश्ता मांगने जाते हैं, रिश्ता भी ऐसे टुकड़ाते हैं कि भाई सीधा अपनी मदर से बात करा के. और जिनको अभी तक ये एक्सपेक्ट करते हैं कि सारा टिवाना मर चुकी है, उनको ये पता लगता है एकदम से कि भाई वो तो जिंदा है. और इन्होंने क्या रोल निभाया था. अब इन्होंने मरवाया तो मुझे ऐसा लगता नहीं वैसे वाले लगते हैं, बट ये कुछ ऐसा शायद कुछ सपोर्टिंग रोल किया होगा जो मरवाने वाले होंगे, या फिर साथ नहीं दिया होगा सारा टिवाना का, जिसकी वजह से यहाँ पे पूरे गांव में इनकी तू हो गई थी. और तब पूरे गांव ने एक ही चीज़ डिसाइड की थी ना कि भाई नहीं चलेगा इनका प्यार. और उसके बाद इनको ये सज़ा दी गई थी, उनके पति को मार दिया गया था. तो अब यहाँ पर क्या होगा? और इनको प्यार हो भी तो भी ये नहीं करेंगे कि इनको अपनी मदर का वो बदला भी लेना है. अब उन उस तरफ से वो लंदन चली गई है. इन्होंने यहाँ पे कसम खा लिया कि कुछ भी हो जाए मैं लंदन नहीं जाऊँगा. सो अभी बहुत ज़्यादा ही एक्साइटमेंट है. अभी देखेंगे इंटरवल के बाद ये सीन्स कहाँ हमें लेके जाते हैं. तो आप लोग कैसे लगा आपको मुझे ज़रूर बताएगा. ऐसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए और सब्सक्राइब करते जाइए. बाय.